हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक अच्छे टॉपिक के बारे में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टॉप टू जज टू एनीबॉडी। लाइफ में कभी भी किसी को जज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। वी कांट टू जज टू एनीबॉडी। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते लाइफ में, हम किसी को जज नहीं कर सकते लाइफ में। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें जज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें जज नहीं कर सकते हैं। हम केवल किसी को जज तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को जज कर चुके हैं कि हम क्या हैं। जब तक हम किसी इंसान के बारे में जानते नहीं हैं, तो उसके बारे में अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो परफॉर्मेंस और रोल के अनुसार ही इंसानों की जो धारणाएं होती हैं लोगों के प्रति बदलती है। अगर किसी इंसान को जज करना है, तो सबसे पहले हमें खुद को जज करना चाहिए कि हम क्या हैं। अगर जो हमारे जैसा होगा वो अपने आप ही हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। जो हमारे जैसा नहीं होगा, वो हमसे दूर भागेगा, क्योंकि शेर जो होते हैं शेरों के साथ काम करते हैं, कुत्ते जो होते हैं कुत्तों के साथ काम करते हैं, जो गीदड़ जो होते हैं वो गीदड़ के साथ काम करते हैं। तो कोई कुत्ता अगर तुम्हें जज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जज नहीं कर पाएगा तुम्हें, क्योंकि वो कुत्ता तुमसे हमेशा दूर भागेगा। लेकिन जो शेर होगा, जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेर हैं हम, लेकिन जो आपका करैक्टर है, व्हाट इज़ योर ओन करैक्टर, जो आपका खुद का करैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आप अच्छे काइंड हार्ट नेचर हैं, अगर आप अच्छे बंदे हैं, तो आपके साथ अच्छे बंदे खड़े हो जाएंगे। जो आपको किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो आपके कंपेरिजन में आ ही नहीं रहा है, केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत और चीज़ भी होती हैं, तो वो बंदे अपने आप ही आपसे दूर भागेंगे। वो हमेशा आपके करस में रहेंगे, आपके साथ कटाक्ष रहेगा उनका हमेशा। तो वी कैन नॉट जज टू एनीबॉडी। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं यार लाइफ में। ये दुनिया तो ऐसी है कि यहाँ के लोग उगते हुए सूरज को भी गालियाँ करते हैं, जाड़ों के दिनों में सूरज को गालियाँ करते हैं कि पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है, किधर बादलों के बीच में छुपा बैठा है, जो उसको जाड़ों में वो गालियाँ करते हैं। तो मतलब परिस्थितियों के अनुसार लोगों की धारणाएं बदलती जाती है। तो वी कैन नॉट जज टू एनीबॉडी। हम किसी को जज कर ही नहीं सकते हैं लाइफ में। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सी बात है। मोदी जी और योगी जी का एग्जांपल दे रहा हूं। बार बार मैं उनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, देखो बहुत सारे लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं है लाइफ में, नहीं होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे। तो लेकिन फिर भी जितने भी आज की डेट में हिडन जो वोटर हैं मोदी जी के, हिडन जो वोटर हैं, 90% वोटर जो हैं महिलाएं हैं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, कैसे हैं इनके 90% महिलाएं? क्योंकि हमेशा जब भी वोट जाती है तो बीजेपी जीत के आगे आ जाती है, बहुत अच्छे स्कोर के साथ खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तो उन्हें गालियां भी कर रहे हैं। तो डिपेंड ये नहीं करता कि हम क्या हैं, डिपेंड ये करता है कि हम किसके लिए क्या हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? डिपेंड ये करता है कि हम किसके लिए क्या हैं। कोई अगर बहुत अच्छा इंसान है, बहुत दिखावा कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत दिखावा कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से एक्सेप्ट से, कि डिपेंड नहीं करता है कि हम क्या हैं। डिपेंड ये नहीं करता है कि हम क्या हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पद पर खड़े हैं, लेकिन वो केवल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि वो क्या हैं, डिपेंड ये करता है कि हम किसके लिए क्या हैं। आज की बात कर रहा हूँ कि कोई प्रधानमंत्री जी को गाली कर रहा है, दबा के गालियाँ कर रहा है, लेकिन जब वोट देता है ना, तो इंसान का मन बदल जाता है। इंसान चाहे कितना दिखावा कर ले, कितना ढोंग कर ले, लेकिन जिस समय एक आत्मा से आवाज़ आती है कि ही इज़ अ राइट पर्सन, कि ये आदमी राइट है, तो उस टाइम पर यह वोटिंग ग्राफ अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान परिस्थितियों के अनुसार रिएक्शन करता है ना, परिस्थितियों के अनुसार रिएक्शन करता है। मैंने बताया तो सही, परिस्थितियों के अनुसार इंसान जो हमें हवा पानी जो नेचर फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें देती है, उनको भी हम गालियां करते हैं। तो कोई इंसान अगर बहुत कुछ है, बहुत बड़े ओहदे पद पे है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो केवल अपने लिए है। मॉरल डाउन तब होता है आपका, दुनिया चाहे आपका कितना भी अपोज करे, आपके खिलाफ चले जाए, लेकिन मॉरल डाउन इंसान का अपनी आत्मा से होता है कि परिस्थितियों के अनुसार मैं किसी के लिए अच्छा हो गया, परिस्थितियों के अनुसार मैं किसी के लिए बुरा हो गया, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैं अपनी नज़रों में सही हूँ, सबके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि
कोई मुझे लाख गालियां करे, कोई बोले कि यार सब कुछ गलत हो जाए, ख़त्म हो जाए जो भी है, ये इंसान गलत है, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार तो दुनिया रिएक्शन करती है भाई, सूरज चाँद तारे सबको हम गालियां करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा ये जानती है ना कि हमने परिस्थितियों के अनुसार कभी सही भी किया होगा, तो तराजू बराबर होते हैं ना, लेकिन जो किसी को जज नहीं कर सकते हैं लाइफ में, हम केवल अपने आप को जज कर सकते हैं, और जो हमारे जैसे होंगे उनको जज करने के लिए शायद से एक सेकंड ही काफ़ी होता है, जो हमारे जैसे होंगे वो पहली मुलाकात में पहली बात में ही हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे जैसे नहीं होंगे, जो चतुर होंगे, बहुत चतुर समझते हैं अपने आप को, लेकिन भाई तुम चतुर नहीं हो, तुम बेवकूफ़ हो, है ना, तुम अपने ही इर्द गिर्द अपने दायरे में घूमते रहोगे हमेशा लाइफ टाइम, तुम कभी अच्छे रिलेशन बना ही नहीं सकते हो। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों किसी को जज करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, हम जो हैं हमारे साथ उस तरह के लोग खड़े हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि किसी इंसान को जानना है तो उसके दोस्तों से मिल लीजिए, एक अच्छा दोस्त मिलना भी बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में, 100 कुत्ते होने के बजाय अगर एक शेर साथ में होना तो बहुत बड़ी बात है, तो अगर अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे साथ, अच्छे लोग टच में हैं, तो अपने आप ही वो अच्छाइयाँ फैलाएंगे, तो अच्छा दोस्त मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ही है, और तुम अच्छे हो, तुम्हारे जैसे अगर 10-100 होंगे तो अपने आप ही सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसी सोच के साथ अच्छा कीजिए, अच्छे से रहिए, थैंक यू सो मच।